सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज भी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को डेली कॉल करते हो, डेली मेरे को बोलते हैं कि सर हमारे स्कूल वाले हमें स्कूल आने के लिए फोर्स कर रहे हैं, हमारे स्कूल रीओपन हो गए हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। तो गाइस देखो, मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि जो स्कूल आपको फोर्स कर रहा है आप उसके रिगार्डिंग उनको कंप्लेन करो, उनके प्रिंसिपल को, मतलब पहले प्रिंसिपल से बात करो, अपने पेरेंट्स की बात करो। अगर प्रिंसिपल तो भी नहीं मान रहा, आपकी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है, आपको फोर्स किया जा रहा है, तो आप अपने स्टेट के या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के जहाँ आप रहते हो वहाँ के कलेक्टर को इसके रिगार्डिंग कंप्लेन करो। CBSE ने खुद ने बात बोली है कि आप कलेक्टर को कंप्लेन कर सकते हो, और HRD मिनिस्टर ने खुद ने बोला है कि जो स्कूल्स रीओपन होगी उसके बाद में भी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा, ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है। HRD ने भी अपने जो एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग की उसमें भी बात बोली थी, CBSE ने भी बात बोली है और दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बात बोली है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो कोई भी स्कूल बच्चों को फोर्स नहीं कर सकता स्कूल रीओपनिंग के बाद में। अगर कोई स्कूल फोर्स कर रहा है तो अपने प्रिंसिपल से बात करो, अपने पेरेंट्स की बात करो। अगर पेरेंट्स बात नहीं कर सकते तो आप खुद उनको बताओ कि मैं स्कूल नहीं आ सकता, मेरे को भी सिक्योरिटी नहीं लगती। अगर आपके प्रिंसिपल आपके टीचर आपकी बात नहीं मान रहे तो उनको बोलो कि कलेक्टर को मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगा, क्योंकि CBSE ने ऑफिशियली कहा है कि बच्चों को फोर्स नहीं किया जाएगा, स्कूल रीओपन होने के बाद में भी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। ये CBSE ने एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद ने बात बोली है। तो गाइस वैसे तो मेरे को लगता नहीं कोई ज़्यादा स्कूल्स फोर्स कर रहे होंगे, लेकिन अगर कोई भी स्कूल फोर्स कर रहा है तो आप उनको ये बातें बोलो, आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी तभी वो लोग आपकी बात सुनेंगे। तो गाइस मेरे को उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ आ गई होगी, टेंशन मत लो, स्कूल्स आपको फोर्स नहीं कर सकता स्कूल आने के लिए। अभी तक कोई भी इसके ऊपर ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है, ऑफिशियली नोटिस ये आ रखा है ऑफिशियली CBSE ने और HRD मिनिस्टर ने यही कहा है कि बच्चों को फोर्स नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रहेगी स्कूल ओपन होने के बाद में भी। तो गाइस मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को बात समझ आ गई होगी, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना जिससे उनको भी प्रॉब्लम उनको अगर ये सेम प्रॉब्लम हो रही हो तो उनको भी इसका सॉल्यूशन मिल सके। अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन तो मुझसे फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आशेंगे सेफ रहो।